लड़की बहुत खूबसूरत लगेगी, ट्रस्ट मी। कोई सा भी फेस्टिवल हो, ये मेकअप लुक डे टाइम के लिए ऑसम है। और मैंने इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाई स्टेप बताया है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप लुक है। वीडियो में जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, और प्लीज़ लाइक कर देना, और इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। मॉइस्चराइज हमें सबसे पहले करना है मेकअप स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो विंटर सीज़न हो या फिर हो समर सीज़न हो। तो आप मॉइस्चराइज ज़रूर करें अपने फेस को, वो आपके फेस को हाइड्रेटेड रखता है और आपकी जो सीसी क्रीम हो या फिर फाउंडेशन वो अच्छे से ब्लेंड करता है। एंड देन मैं सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं अच्छे से अपने आईज़ के अराउंड लगाऊंगी और पूरे फेस पे अच्छे से लगाऊंगी। और मैंने यहाँ फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है ना कंसीलर, तो इससे हमारा मेकअप लाइट वेटेड रहेगा, जो कि डे लुक के लिए अच्छा रहता है। फाउंडेशन हमारे हैवी मेकअप कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है। उसके बाद मैंने लिया है डैम ब्यूटी ब्लेंडर, उससे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी सारे सीसी क्रीम को अपने फेस पे, और नेक केयर्स को भी ना भूले। एंड देन मैंने और थोड़ा सीसी क्रीम लेकर अपने आईज़ के अराउंड लगाया है, बेसिकली जहाँ पे हम कंसील करते हैं वहाँ पर, और इसको मैं अच्छे से ब्रश से कवर कर रही हूँ, क्योंकि हमें ब्रश से अच्छा कवरेज मिलता है और स्पॉन्ज से हमें लाइट कवरेज मिलती है, तो इसलिए मैंने ब्रश का है यूज़ किया यहाँ पर। उसके बाद मैंने लिया है बेबी पाउडर और सेम ब्रश से मैं अपने आईज़ के अराउंड बेक कर दूंगी, ताकि मेरा और अच्छा लुक भी आता है। आपका कॉम्पैक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक अफोर्डेबल मेकअप लुक है और आपका इस पाउडर से भी काफ़ी अच्छा और आपको बहुत अच्छा सेट करता है आपके बेस मेकअप को। देन इन तीनों कलर्स में से आप किसी भी कलर से अपने आईब्रोज़ को फिल कर सकते हो, वो है ब्लैक, डार्क ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन शेड, जो आपको अच्छा लगता हो। तो मैं एक डार्क ब्राउन शेड से स्टार्ट करती हूँ और एंड पे ब्लैक शेड यूज़ करती हूँ, उससे मेरे आईब्रोज़ अच्छे होते हैं। तो इस तरह से मैंने आईब्रोज़ को कर लिया है, एंड देन मैंने सेम इस साइज़ में भी कर लिया है, आप देख सकते हो। एंड देन यहाँ पर मैंने एक लाइट पर्पल शेड है और एक डार्क पर्पल शेड है मेरे इस पैलेट में, तो मैंने लाइट पर्पल शेड से स्टार्ट किया है और इसको अपने क्रीज पे लगाना स्टार्ट किया है। डैबिंग मोशन पे लगाऊंगी और अच्छे से उसको ब्लेंड करूंगी, और आपको ब्रश काफ़ी एंड में पकड़ना है, ताकि मतलब ज़्यादा अमाउंट ना जाए, अच्छे से आप ब्लेंड कर पाओ। तो मैंने डैबिंग मोशन में स्टार्ट किया है, और जब तक मुझे अपना डिज़ायर कलर नहीं मिल रहा था, तब तक मैं इसको लगा रही थी, आप भी ऐसे करो। एंड देन मैंने डार्क पर्पल शेड लिया है, उसको अपने आउटर वी पे प्लेस किया है अपने फिंगर से, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा आपको पिगमेंट देता है। एंड देन फिर उसी फ्लफ़ी ब्रश से मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है अपने पर्पल शेडो को, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, आप भी अच्छे से ब्लेंड करना, कहीं भी हार्श लाइन ना हो। तो मैंने दोनों आईज़ में कर लिया। उसके बाद मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है और इसको अच्छे से प्लेस कर रही हूँ और डैबिंग मोशन में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा पिगमेंट नहीं मिल रहा था ऑरेंज का, तो मैं फिर इसको डैबिंग मोशन पे लगाती हूँ। एंड आप देख सकते हो कि मेरा आई शेडो कितना अमेजिंग लग रहा है। दोनों आईज़ में मैंने डैबिंग मोशन पे ऑरेंज को लगा लिया है, आप चाहो तो दूसरे कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन सेम पर्पल शेड जो मेरे फ्लफ़ी ब्रश में जितना अमाउंट रह गया था, उसी को मैं अपने लोअर लिड पे लगा लूँगी। आफ्टर दैट मैं ले रही हूँ काजल, आप आईलाइनर लगा सकते हो, बट काजल आपके लुक को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। तो मैं इस तरह से बस सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देख सकते हो, एंड दैट इज़ इट, कुछ भी और ज़्यादा नहीं करना है। दोनों आईज में मैंने सेम कर लिया। एंड आई एम सो सॉरी गाइज, मैं मस्कारा लगाना भूल ही गई, बिल्कुल मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। आफ्टर दैट मैंने लिया है लैक्मी फॉर एवर मैट लिपस्टिक, यह है एक पर्पल शेड का। अगर आपको शेड जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो इसको, ये काफ़ी अच्छा शेड है। एंड देन मैंने अपना शुगर का ब्लश लिया है, बहुत ही हल्का अमाउंट में आपको लगाना है, ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, ये मेकअप लुक काफ़ी लाइट है।
तो नोज़ पे चिन पे भी मैं लगा लेती हूँ, जैसे हमारा पूरा फेस जो है वो बहुत अच्छा एक कलर आता है फेस में। एंड देन हमारा सबसे फेवरेट हाइलाइटर लगा लेना आपको हल्के हल्के अमाउंट में, और अपने ब्रो बोन्स को मत भूलना। तो उसके बाद आप इनर कॉर्नर्स पे लगा लो, आपके आई लुक पे चार चांद लगा देगा। एंड देन आप इसको इस तरह से रब कर सकते हो ताकि वो अच्छा लुक आए। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलती हूँ।